अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनियन। इंटरव्यू में पूछा जाएगा यूनियन हम क्यों यूज़ करते हैं, यूनियन क्या होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यूनियन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ी लाइनें होती हैं तो वो हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर लगाई जाती हैं। ये देखें, यहाँ पर इसके ना सील होती है, ये वाला जो एरिया है इसके अंदर ये लीकेज कहाँ से होती है ये देखें। अब ये डैमेज हो चुका है तो अब ये लीकेज कभी भी नहीं रुकेगी, तो इसकी जगह पे हमें इसको नया या तो लगाना पड़ेगा या फिर इसको रिप्लेसमेंट करके नई यूनियन लगाएंगे। यूनियन क्यों लगाई जाती है? हम कहते हैं कि बड़ी लाइन को सारी खोलने की बजाय हम छोटा सा हिस्सा खोलेंगे तो हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। आपके घरों में भी ये यूनियन लगी होगी तो आप सब दोस्तों को पता होना चाहिए। और इसके ऊपर मेंशन होता है कि ये कितने इंच की है, कौन सा साइज़ है, ठीक है। मोस्टली यूनियन जो है वो पानी की लाइनों पर यूज़ की जाती है, सब दोस्तों को पता होना चाहिए। ये देखें हैंड से खुल रहा है, जब हम इसको खोलेंगे तो ये गैसकेट वाला एरिया जो है यहाँ पर हम गैसकेट डालते हैं। गैसकेट याद रखनी है, अगर यहाँ पर भी गैसकेट डलेगी और यहाँ पर भी गैसकेट, ये देखें स्टेप बना हुआ है तो वहाँ पर भी गैसकेट डालेंगे। अगर ये गैसकेट नहीं डालते तो ये लीकेज कभी भी नहीं रुकेगी। तो अब आपसे इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा यूनियन क्यों इस्तेमाल करते हैं। आपने बताना है कि बड़ी लाइनों को, पूरी लाइन को खोलने की बजाय हम थोड़ा से हिस्से को खोलने के लिए जो है वो यूनियन का इस्तेमाल कर